बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक टू जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट टू। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन रियल लाइफ। बिफोर मूविंग फर्दर वी जस्ट रिकॉल और रिवाइज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्कस। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। हम बात कर चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल जो वर्टाइसेस हैं जहाँ पे ये दो आपके पास पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं और उनके जो एंगल्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और उनके अपोजिट साइड्स जो हैं उनको हम स्मॉल लेटर से ड्रॉ करेंगे। Opposite to A, that will be A side, opposite to B, B, and opposite to C, that will be C sides। ठीक है जी। अब आपके पास जो है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिएगा यहाँ पे अपोजिट टू साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। और इसको हम यूज़ करेंगे कि ए बी स्क्वेयर, और यू कैन से दैट ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ठीक है जी। तो हम ये अब ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मीन्स हाइपरनू स्क्वेयर हम इसको पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास जो है डिस्कस हम कर चुके हैं पाइथागोरस ट्रिपल, सेट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3, 4, 5 लेते हैं, तो 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, एंड द स्क्वेयर ऑफ 5 विल बी 20, 25। सो स्क्वेयर ऑफ 3 प्लस स्क्वेयर ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ 5। सो दिस इज नोन एज द ट्रिपल्स ऑफ पाइथागोरस। सो इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे डाली हुई हैं, और उसके अलावा जब आप क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे होंगे कि आपके पास कोई स्टोरी सम दिया हुआ है, फ्रॉम ईच स्टोरी सम फर्स्ट यू हैव टू स्केच दैट राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड असाइन नेम ऑफ ट्राइंगल। उसको आपने नाम दे देने हैं, तो उसके मुताबिक आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास दिया हुआ है, सम केबल आर सपोर्टेड बाई अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47 मीटर। तो इसको अपने यूँ देखिएगा कि अगर हम 47 मीटर की एक हाइट वर्टिकल पोल जो है वो हम बना रहे हैं इसमें, तो इसके साथ साथ हम आगे डिस्कस करते हैं। जो आपके पास वर्टिकल पोल है, ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 47 मीटर। आगे वो कहता है द केबल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट लेवल ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। इनका जो डिस्टेंस है वो दैट इज 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। तो देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वायर। आपने ईच वायर जो है, क्योंकि ये 4 टाइम है, इधर भी वायर होगी, सामने भी इधर नज़र आ रही है, इधर भी होगी और बैक साइड पे भी होगी, तो हम यहाँ पे एक वायर हमने यहाँ पे उसको शो किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बेसिक फिर वही ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिर वही बात कि आपके पास यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 स्क्वेयर प्लस 47 स्क्वेयर। ठीक है जी। तो इसमें मैंने जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको पाइथागोरस सॉरी हाइपोटेन्यूज पहले निकालना हो तो आप उसको हाइपोटेन्यूज को पहले यूज़ कर लिया करें। तो इसको हमने सॉल्व किया है और एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, यानी कि जो लेंथ ऑफ केबल है दैट इज़ 50.3 मीटर। सिमिलरली क्वेश्चन 2 पे आ जाएँ। क्वेश्चन 2 है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग, अ बैरिकेड टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। अब इसमें आपके पास जो है यूँ ध्यान में रख लीजिएगा कि स्क्वेयर के मीन्स कि स्क्वेयर होगा जिसकी सारी साइड्स आपके पास इक्वल होंगी। अब आपके पास जो डायगोनल है, द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और स्क्वेयर आप जो भी आपके पास है, तो दिस इज़ नोन एज दिस लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज डायगोनल। तो इसमें हमने ये देखिए फिर वही बात की, ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये भी बन रही है और ये भी बन रही है। तो इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर इसको हम एक्स कह देते हैं तो आप कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए
बी डी हम ये ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक देखिए, सबसे पहले यू हैव टू फोकस वेयर इज़ द हाइपरनूस, तो हाइपरनूस इज़ एक्स, इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड एक्स हाइपरनूस, तो आप वहीं उसका फार्मूला जो है हम अप्लाई कर रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 स्क्वेयर प्लस 50 स्क्वेयर, इसको सॉल्व किया है और हमारे पास इसकी एक ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है जी। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर